नमस्कार, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट में। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मेरे नाम कर दीजिए और ये मेरा वादा है कि आप जिस बड़े हुए पित्त की समस्या को कई वर्षों से झेल रहे हैं उसे इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे इस वीडियो में बताए हुए इलाज और इलाज की पद्धति को सुनने के बाद, उसे फॉलो करने के बाद आप खुद ही उसके ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मानव शरीर प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति, परंतु जैसे कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस मानव शरीर का जितना सुख है उतना ही या उससे ज़्यादा दुख भी झेलना पड़ सकता है अगर हमने इस शरीर का बारीकी से ध्यान ना रखा तो। हमारा देश भारतवर्ष, इसमें आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी जी ने मानव शरीर को उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए असंख्य परामर्श एवं बहुत सारा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया, जिसे हमारे वैद ऋषियों और गुरुओं ने अपनाया और सिद्ध किया। उसी महागंगा में से चंद बूंदे मुझे मेरे गुरुओं के आदेशानुसार प्राप्त हुई और वही ज्ञान गंगा आप लोगों को समर्पित है। आयुर्वेद में मानव शरीर में जन्म लेने वाली तकरीबन 98% बीमारियों की जड़ बताई गई है वात पित्त और कफ को। ये वात पित्त और कफ दोष नहीं है, ये मानव शरीर की शक्तियां हैं जो कि पूरे शरीर को चलाती हैं। प्रकृति ने इन तीनों शक्तियों को मानव शरीर में एक संतुलित मात्रा में रखा है। यदि किन्हीं कारणवश इन तीनों में से एक भी असंतुलित हो जाती है, कम या ज़्यादा, उसकी वजह से मानव शरीर में कई बीमारियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। आज हम उन तीन में से एक तत्व पित्त के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, कैसे ये बढ़ता है और इसका इलाज क्या है। पित्त ये एक तत्व है जो कि मानव शरीर के कई अंगों में बनता है, जैसे कि अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय। साइंस में इसको एक हार्मोन कहते हैं जो कि शरीर के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। यह बच्चे के जन्म से पहले ही बनना चालू होता है और मृत्यु तक बनता रहता है। जब कभी आप लोगों ने देखा हो, जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। ये वही पित्त है, यानी कि गर्मी एनर्जी, जो कि शरीर को चलायमान रखती है, भोजन को पचाती है, इत्यादि बहुत सारे कारण हैं इसके। मैं आप लोगों को पित्त की एक और पहचान बताता हूँ। आप सभी लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी उल्टी यानी वोमिटिंग का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। कुछ लोगों ने इसे नोट किया हो या नहीं, परंतु अब ध्यान कीजिए, उल्टी में एक लाइट ग्रीन और लाइट येलो कलर का तत्व होता है, वही पित्त है। स्वाद के वशीभूत होकर जंक फूड, फास्ट फूड, ड्राई फ्रूट, नॉन वेज, शराब, ज़्यादा तला मसालेदार खाना, खट्टा और ज़्यादा धूप में श्रम करने से यह पित्त हमारी बॉडी में बनना ज़्यादा शुरू कर देता है, जिस वजह से कहा जाता है कि इस व्यक्ति का पित्त बढ़ गया है। अब इस पित्त बढ़े के लक्षण क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जुकाम, खांसी, बलगम ज़्यादा बनना, शरीर के अलग अलग भागों पर खुजली होना, पित्ती उछलना, दफड़ पड़ना, सांस लेने में भी अत्यधिक परेशानी होना, बॉडी का बहुत ज़्यादा गर्म होना, पेशाब में जलन और पेशाब का अत्यधिक पीला होना, हाथों एवं पैरों के जोड़ों में दर्द एवं आँखों की रोशनी पर भी फर्क पड़ सकता है। पित्त की अधिकता से कुछ व्यक्तियों को ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। यह बढ़ा हुआ पित्त मानव शरीर के लिए अत्यंत ही घातक है। इसे कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। इसे संतुलित करना बेहद आसान है, सिर्फ एक जड़ी बूटी और थोड़ा सा खाने का अपना रूटीन चेंज करके आप इसे बिल्कुल संतुलित कर सकते हैं
असंख्य बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। और वो इलाज का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। यह देखिए दोस्तों, यह बकायन के पत्ते हैं, बकायन नामक वृक्ष। यह बकायन नीम की ही एक प्रजाति है, परंतु इसके पत्ते नीम से काफ़ी कम कड़वे होते हैं। और इन पत्तों में ऐसा तत्व है जो कि मानव शरीर में बनने वाले पित्त की अधिकता को कम करता है। सुबह सुबह खाली पेट इसके 20 पत्ते आपको धोकर चबा कर खाइए। उसके साथ साथ एक गिलास गर्म पानी, उसमें 5 बूंद नींबू और एक चुटकी काला नमक डाल के धीरे धीरे पीजिए। एक घंटा कुछ भी न खाएं न पिएं। फिर नाश्ते में 2 आंवले के मुरब्बे और 1 मौसमी का जूस आप ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो वह आंवले का मुरब्बा और मौसमी का जूस ना इस्तेमाल करे। सिर्फ नमकीन छाछ, वो भी घर की जमाई हुई दही के लिए। सभी प्रकार के गर्म तासीर वाली चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर दें। दोपहर के खाने में जो सादी दाल रोटी सब्जी इस्तेमाल करते हैं करें, परंतु साथ में खीरा, टमाटर और प्याज, इन तीनों चीज़ों की सलाद ज़रूर लें। एक रोटी भले ही कम करनी पड़े। फिर शाम को एक गिलास गर्म पानी, उसमें 5 बूंद नींबू और काला नमक मिला के ज़रूर इस्तेमाल करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जब बकायन के पत्ते हैं इनको गर्म पानी चाहिए, जिससे कि पेशाब के रास्ते इस बढ़े हुए पित्त के असर को बाहर निकाल सके। दोस्तों, इस रोग के ऊपर और इस इलाज के ऊपर मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। उसके बाद इस पर जीत पाने के बाद मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने में आप इस पद्धति को फॉलो करके इस बीमारी के ऊपर पूरी तरीके से काबू पा लोगे। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इस समय आप जो भी एलोपैथी की दवा ले रहे हैं आप उसे लेते रहें। कुछ ही दिनों में आप बिना किसी सलाह के अपने आप एलोपैथी की दवा भी छोड़ दोगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। दोस्तों, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि आप जो भी चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल करें, चाहे आपने उसे ऑनलाइन देखा हो या किसी व्यक्ति ने आपको बाय फेस बताया हो, अगर आपको उससे रिलीफ मिले तो आप उसे बाय फेस जाके या ऑनलाइन कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का मनोबल, हौसला और बढ़ता है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये बिल्कुल आसान चिकित्सा पद्धति उन सभी व्यक्ति के पास पहुंच सके जो कि 20-20 सालों से इस बड़े पित्त की समस्या को झेल रहे हैं। तो आज आप लोगों की सेवा में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द दोबारा मुलाकात होगी। गुड बाय।